गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी है अपने लिए चाय। देख सकते हैं मेरी किचन में धूप भी आ रही है आज अच्छी वाली, और साथ के साथ मैंने कर लिया अपने लिए गर्म पानी क्योंकि विंटर्स में मैं ज़्यादातर गर्म पानी ही पीती हूँ सुबह के टाइम, और दिन में भी अगर मौका मिलता है जब जब मैं घर में होती हूँ तो मैं गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। सर्दियों में ना चाय उबालते ही कप में डालती बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। हाफ कप चाय मैं दूंगी आइनू को क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो मैं उसको हाफ कप चाय दे देती हूँ। तो मैं देखकर चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने मटर आलू पहले से ही छील के रखे हुए थे, तो मुझे बनानी है सब्जी और उसके बाद मैं तैयार होऊंगी। तो ये रहे मेरे मटर आलू जो मैंने छील के रख दिए थे पहले, और ये आटा भी मैंने लगा दिया था। मैं बना रही थी रोटी और एकदम से बज गई बेल और मेरी रोटी थोड़ी सी जल गई है। यहाँ पे रोटियाँ फाइनल बना दी हैं मैंने, सब्जी भी बन चुकी है, और लंच में बना के ही जाती हूँ, लेकिन मैं करती हमेशा कोर्ट से आने के बाद ही हूँ लंच। तो बच्चे जब क्लास से फ्री होंगे तो वो भी कर लेंगे और मैं कोर्ट से आने के बाद कर लूँगी। सो गाइस, और मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं गैस कर देती हूँ बंद। बच्चों को दूंगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं तैयार होकर और मैं जाऊंगी कोर्ट। और लंच रेडी करने के साथ साथ बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है रेडी, अब उनका लंच ब्रेक है। सो गाइस, मैं कोर्ट से आ चुकी हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है, और मैं जैसे ही मैं आती हूँ तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि नानी हाउस चलो, तो मैं अब उनको लेके जाऊंगी मम्मी के घर, और उसके बाद देखते हैं वहां जाके वहां उन लोगों का क्या प्लान हो रहा है और क्या बन रहा है। कोई प्लान नहीं कुछ होता हमारे उनका, गेस्ट भी आए सिंपल हुए प्लान हैं, होता है। आप बोले अब तो कुछ हमारे वहाँ पे गेस्ट भी आए हुए हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको, आज जब मैं घर आई और मैंने अलमीरा खोली, आईनू के कपड़े कुछ नीचे पड़े हुए थे तो मुझे नहीं पता था क्यों पड़े, तो मैंने सोचा कि मैं अलमारी में उठा के रख देती हूँ। तो आइनू ने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से सेट कर रखी थी आज, तो मुझे आइनू की वाली बात बहुत अच्छी लगी, जैसा कि मैं एक बार आप देखिए। मैंने ब्लॉग में दिखा दिया है, मैंने कहा जो अगर मम्मा दिखाएंगी तो आप देख लेना। और अब थिंग इज के आवाज मिलते हैं मम्मी के घर जाने के बाद, मम्मी के घर जाने के बाद। बाय बाय गाइस, हम कल मिलते हैं मम्मी के घर जाने। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और डुग्गू आइनू नीचे उतर गया, उनको खेलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हैं, ये सभी हीटर के आगे आराम से बैठे हैं। ये भाभी हमारी, जैसा कि आपने तो पहले भी देखा है, मम्मी को आप जानते हो, और ये फरीदाबाजी है। और फरीदाबाजी आप ठीक हो? ठीक है। हीटर के आगे सीख रही, हीटर के आगे सीख रही हो है? कुछ बोलोगी? बोल दो तुम, क्या बोल रही हो? कुछ बोलना चाहो तो बोलो। बोल। तो गाइस, फरीदा बाजी थोड़ी सी शर्मा गई हैं, तो अभी वो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन मैं भी उनसे बुलवा के ही छोड़ूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम नहीं करते ना किसी को? कर मैं दिया। कह तो रही हूँ, लिया खुआ जाके कर दिया। सुबह अरे कर दिया। तो क्या मांग रहे हो आप मामी से? हलवा बनाएंगे। क्या कह रही है शाइना मामी आपकी? क्या बोल रहे थे आप? तो आप कह दो कि मामी मैं सिखा लूंगा। नहीं मामी, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? नहीं। क्या खेल के आए हो नीचे? बहुत कुछ, कल भी खेलोगे? फिंगर चिल्ली पटेटो ये लाई हो तुम मार्केट से, और खोआ नहीं आए तुम? पिछली साल नहीं लाई थी रानम, तो हमारा हलवा कितना उसका है, मिर्च नहीं लग रहा। तो गाइस, अभी ये लोग लेके आए हैं खोआ, ये रहा खोआ, और ये बन रहा हमारा हलवा, भाभी बना रही है। भाभी कितनी देर और लगेगी हमारे हलवे में? आधा घंटा। मम्मी का निकाल दिया बिना शुगर का? मैं भी चलाऊं जरा। पता क्या लिखेंगी मम्मी? नहीं गाइस, मैंने सिर्फ चलाया है, भाभी उसको ऑलरेडी बना रही है पहले से।
सो ये रखा हमारा खोआ जो कि डलेगा हमारे गाजर के हलवे में। अभी इसमें शुगर डाला है तो अभी शुगर जो है वो पानी छोड़ रही है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है गाजर के हलवे में, लगता है कि बहुत ज्यादा टेस्टी। कर रही है इनू वीडियो कॉल पे, हम आरिस से बात कर रहे हैं गाइस। ओ हमारा आरिस जो है ना अपने नानी हाउस गया हुआ है, तो हम उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। से हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस आरिस बोल दो। देखियो बुरी लग रही है, देख क्या जोड़ दिया। हाय मेरा बेटा कैसा है, कैसा है आरिस? आरिफ अपनी मामी को आवाज लगा दो। नहीं लगा रहा। अब देख रहा है। हाय गाइस कर दे। हाय गाइस अब कर दिया। मैं आ रही नहीं। हाँ? आ रही ले। बन गया भाभी हलवा। आप डालो ना कटोरी में। तो गाइस भाभी ने मुझे बुलाया किचन में, बोल रही है कि मीठा और चेक करके बताओ कि कैसा है। अब मैं चखती हूँ। भाभी आप भी खा लो थोड़ा सा, आधा सा चम्मच। खाना है गरम है बहुत। ऐसी क्या बात की, मूंगफली दे। उफ लो भाभी मेरे लिए भूख भी मार रही है। थैंक यू भाभी। अब देख लिया इसने, एकदम अच्छा है। चीनी खा ले। बहुत मीठा है, मतलब मीठा सही है और बहुत ज्यादा यम्मी है भाभी। मुझे भी गाइस मीठा एकदम बिग करेक्ट है और बहुत ही अच्छा बना है। और सर्दियों में ना गाजर का हलवा खाने का जो मजा है ना, वो बिना सर्दियों के कभी नहीं आ सकता। चल ठीक है तुम अरे डुब्बू तो आपको पता है कल भी गन्ना खा रहा था और आज भी गन्ना खा रहा है। अभी खिलने में लग रहा है। भाभी सब्जी में क्या बना रहे हो? पालक का दाल साग। पालक का दाल साग मेरा तो फेवरेट है। पास में ना मम्मी के घर होने का ये फायदा है कि आपको अच्छी अच्छी डिशेस मिल सकती है खाने के लिए, जो कि भैया हमें तो मिलती हैं। और जिस दिन हम ना आए ना मम्मी के घर, उस दिन मम्मी के फोन पहुंच जाते हैं कि भाई तो आज क्यों नहीं आए। वैसे तो हम रेगुलर मम्मी के घर आ ही जाते हैं। वो मेरी गोदी में ही सो गया है और इसको ठंड लग रही थी, तो ये कह रहा कि मम्मा मुझे ठंड लग रही, तो मैंने इसको बोला कि ब्लैंकेट में आ जा। और ये मेरा बच्चा देखो यहीं पे ही आराम से सो रहा है मम्मा की गोदी में। मेरे बारे में कुछ बताओ मम्मा। आइनू कह रही कि मम्मा मेरे बारे में बताओ। आइनू अच्छी प्यारी बेटी है मेरी और घर में छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाती है, अपने भैया को बहुत प्यार करती है, तो ये मम्मा की प्यारी बेटी है मम्मा। और आई थिंक मेरी टू कॉपी है ये। कल हमने मैंने मतलब मम्मा है ना फरीदाबाजी, मेरी टू कॉपी है ना आइनू। और क्या आप सुरमे की बोल रही थी ना, आप सुरमा कहाँ से लोग? सुन्नत होता है तो मैं सुरमा लगाऊंगी। अब कहाँ से मिलेगा सुरमा? सुरमा सूखा होता है गीला? बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अच्छा जामा मस्जिद दिल्ली के फैंस है जो मम्मा के। निजामुद्दीन ठीक है। तो सुरमा एक टाइम लगाऊं मैं, दो टाइम लगाऊं? अभी मुझे बस सुरमा लगाऊंगी आंखों में, क्योंकि काजल भी लगाती हूँ। गाइस मम्मा कह रही है रात को रुक सोंगे सुरमा। मम्मा ऐसे बोल रही है सोते वक्त लगेगा। नहीं कह रही हूं सही रहता है। गाइस मम्मा मेरा परफॉर्मेंस है परसों। अरे कपड़े आप वाइट कलर का ना अनारकली कुर्ता दिला दूंगी। ओ तो गाइस भाभी देखे गई है मेरे को डिनर और मैं कर रही हूँ डिनर। इसमें रोटी है, दाल पालक है और आलू मेथी की सब्जी है। आप नहीं कर रहे भाभी? इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है इस कमरे का? पूरी महफिल जमी हुई है यहाँ पे और भाई और ये फरीदाबाद जी कुछ देख रही है फोन में और ये डुग्गू की अभी तक नींद पूरी नहीं हो रही है मेरे बेटे की।
गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो बाय टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। गाइस रात के बज चुके हैं 12:30 और मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली है। जैसा कि आपको पता है मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ही अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा, लेकिन सबसे अच्छा लगा मुझे गाजर का हलवा जो कि शाइना भाभी ने बनाया था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा जो उन्होंने प्यार से बनाया और प्यार से मुझे खिलाया। तो जो हमारे जो रिश्ते जो होते हैं ना, ये बनाने से बनते हैं, सच्चाई से बनते हैं। तो एक जो इंसान होता है ना, तो एक सच जब बोलता है, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम सच बोलते हैं और सच सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि सच्चाई अच्छाई हर एक इंसान में होनी चाहिए, और मतलब कुछ भी दुख है सुख है, लेकिन एक ऐसा इंसान, ऐसे अच्छे रिश्तेदार, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे अच्छे फ्रेंड्स आपके लाइफ में होने चाहिए, जो आपको रिलीफ देते हैं, जो आपको सुकून देते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, और अच्छा खुद को भी लगे और अच्छा उनको भी लगे, और दोनों तरफ से ही। जो दो इंसानों का रिलेशनशिप जब होता है, एक माँ बेटे का भी और एक मम्मी के साथ बेटी का भी, और मतलब और अदर जो रिश्ते होते हैं जैसे भाभी भैया मामा मामी चाचा चाची ताई, तो इन सब के जो रिश्ते होते हैं ना, ये सिर्फ प्यार से अपनेपन से बनते हैं। आप जितना सामने वाले को दोगे उतना ही आपको या उससे ज़्यादा भी आपको आउटपुट मिल सकता है। तो इसके चलते मैं आज का व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। और खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।